नमस्कार दोस्तों, पवन वाइग्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में आज हम कर रहे हैं अपना अगला पार्ट एक्सरसाइज 3.3 का। दोस्तों ये जो पार्ट है ये बहुत दिनों से बचा हुआ था, बच्चे कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी जल्दी करिए। तो कल आपको एक वीडियो मिल गया है, आपको अगला वीडियो आज मिल जा रहा है। मतलब अब कोशिश करूंगा मैं पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद 8th के जो बच्चे उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करता, मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि पवन वाइग्रम में साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं, और अनअकैडमी पर आप जो है मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरल कोड पवन वाग। जी हाँ, मैं फाउंडेशन NTSC कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, और फाउंडेशन NTSC जो कैटेगरी है वो बड़ी ही कमाल की कैटेगरी है। वहां आप अपना बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हैं, आपके बैचेस भी है वहां पर, NTSC की क्लासेस है, KVPY की क्लासेस है, ओलंपियाड की क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस है। आपको जिस क्लास में जब आना है तब आप आ सकते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां क्या देके रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। मैंने शॉर्ट में लिखा है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ADB, हमको ABD की वैल्यू निकालनी और ACD की भी वैल्यू निकालनी है। तो देखा जाए तो भैया ये बहुत सिंपल है, यहां दिख रहा है दोनों साइड इक्वल है। आइसोसेलिस ट्राइंगल से क्या होगा, अगर बेटा ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 50 ये 50 हो जाएगा, खत्म हो गया। यहां भी ये दो साइड इक्वल लेके रखिए, ये 60 ये भी 60 हो जाएगा, 60 और 50 110, 60 और 50 110, खत्म। ओरल क्वेश्चन है, देख के जमता है लेकिन सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए जब क्वेश्चन दिया हो ना तो यहां पर हम लिख दो गिवन, हमेशा क्वेश्चन दिया हो तो गिवन लिखना, या लिखना इन फिगर जो दिया है वो लिख दो। क्या AB जो है वो कॉन्ग्रेंट देके रखा है AC के, और साथ ही में क्या देके रखा है, BD और CD, BD इज कॉन्ग्रेंट टू CD, ये देके रखा है। अच्छा कौन सी वैल्यू देके रखी है, एंगल ACB देके रखा है आपको 50 डिग्री का, और एंगल DBC क्या देके रखा है, DBC कितना देके रखा है, 60 का। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये दोनों साइड इक्वल दिए ना बेटा, ये दोनों साइड इक्वल दिए, AB और AC इक्वल, तो AB AC कॉन्ग्रेंट हो गए। मैंने कॉन्ग्रेंट लिख दिया, इक्वल लिखो तो भी चलेगा। आप एक काम करो, आप इक्वल लिख लो, आप इक्वल लिख लो, आप कॉन्ग्रेंट मत लिखो, आपके मन में फिर सवाल आएगा सर कॉन्ग्रेंट क्यों लिख रहे हैं, है ना। ये देखो ये दोनों इक्वल दिए तो लिख दिया, ये दोनों साइड इक्वल दिए ये लिख दी, BD और CD, और क्या लिख रखा है, ACB, ACB 50 का है तो 50 लिख दिया, और DBC 60 का है तो DBC 60 का लिख दिया। हमें क्या बोलता है आगे, टू फाइंड किसकी वैल्यू पता करनी है, एंगल ABD की वैल्यू पता करनी है, ABD मतलब ABD ये पूरा वाला, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, ACD पता करना है, ACD ये पता करना, ठीक है। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल ABC, मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, ठीक है। क्या देख के रखा है यहां पर, यहां लिख के रखा है कि सेगमेंट AB जो है वो इक्वल है सेगमेंट AC के, सो दैट फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, है ना, फ्रॉम द आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बोलिए या थ्योरम बोलिए जो भी है ना, थ्योरम क्या होगा, ये क्या होगा, एंगल ABC ये जो होगा इक्वल होगा एंगल ACB के, ABC जो है वो ACB के इक्वल होगा। आपको एक्स और वाई पता करना है, इन शॉर्ट यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू भी निकालना थी हमको, है ना। यहाँ लिख दो गिवन टू फाइंड में लिख दो कि एक्स की वैल्यू भी निकालना है, वाई की वैल्यू भी निकालना है, ये मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ABC कितना है, ABC एक्स है, और ACB कितना है, 50 है, तो आपका एक्स का वैल्यू तो आ गया भैया, पहला काम हो गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहां लिखो, सिमिलरली क्या लिखेंगे, यह नीचे भी वैसी है, ये साइड इक्वल है, तो DBC सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC क्या है, सेगमेंट DB जो है वो इक्वल है सेगमेंट DC के, इक्वल है तो क्या लिखेंगे, इक्वल है तो लिखेंगे फ्रॉम अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से, इसके ये दो एंगल बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल DCB इक्वल टू एंगल DBC, DCB कितना बेटा, Y है तो Y लिख दो, और ये कितना है, ये कितना है,
ये हमारा 60 है तो 60 लिख दो, ये आपका वाई का आ गया 60 डिग्री। अब आपको दो वैल्यू निकालनी है बची हुई, एबीडी और एसीडी, तो लिख लो भैया ये भी निकाल लो, यहां लिखो एंगल एबीडी निकालना है आपको। एबीडी, एबीडी किसके इक्वल है, एंगल एबीसी के, है ना, ये वाले के और ये वाले के इक्वल है, तो एबीसी और डीबीसी के, एंगल डीबीसी के। एक्स कितना है हमारा, ये एक्स के इक्वल है और ये 60 के इक्वल है, एक्स की वैल्यू कितनी है 50 और ये कितनी है 60, तो ये कितना आ गया 110 डिग्री आ गया, एंगल एबीडी हो गया। वैसे लिखो दूसरा, दूसरा क्या निकालना है हमको, दूसरा निकालना है एसीडी, लिखो ये एंगल एसीडी, एसीडी किसके इक्वल है, एंगल एसीबी के प्लस एंगल डीसीबी के, तो एसीबी कितना है 50 है, डीसीबी वाई है ना, तो 50 को 50, वाई की वैल्यू कितनी थी 60, कितना हो गई 110 हो गया, एंगल एसीडी हो गया बेटा। सॉल्व, सॉल्व कर लो, इससे सिंपल क्या होगा, ये तो हमने ओरल कर लिया था, ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 60 है ये भी 60 होगा, दोनों 110 110 के आने वाले थे, ये लोग को पहले पता था, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देखे रखा है, ये बताता है कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 15। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस की लेंथ हमको देके रखी है 15 देके रखी है। अब क्या बोलता है, फाइंड ए लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनस, हमको ये निकालना है, तो लेट से बीडी है, देखो मैंने बीडी मीडियन ड्रॉ करके रखी जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, यहां लिखो कि इन ट्राइंगल एबीसी, या गिवन क्या लिखेंगे आप कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और आपका एसी है 15, है ना, और लिख दो बीडी क्या है, बीडी इज मीडियन, ठीक है, बीडी को मीडियन लिख दो, ये मीडियन है जो अपोजिट साइड को सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमने क्या पढ़ा है कल का बेसिक में, क्या पढ़ा था कि जो मीडियन होती है, मीडियन इज ऑलवेज, मीडियन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, लिखो ये, हमें क्या निकालना है, ये गिवन हो गया हमारे लिए, हमें गिवन है, ये गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मीडियन। मैं सॉल्व करता हूं इसको बेटा, क्या देकर के देखो, अगर ये हमको निकालना तो क्या लिखेंगे हम, ओके वी हैव टू लेंथ ऑफ मीडियन हमको पता करनी, मतलब हमको बीडी पता करनी, तो यह लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर बी जो है वो 90 का है, द लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, तो बीडी क्या होगी, बीडी होगी हाफ ऑफ एसी, मतलब हाफ ऑफ एसी कितना है 15 है, तो 15 का आधा 7.5 आ जाएगा, बीडी आ जाएगा 7.5 यूनिट्स, हो गया भाई, सिर्फ इसको जमाना है। देखो आप अगर इतना भी करते हो तो करेक्ट है, लेकिन ये जरा आप गिवन लिखोगे, ये जरा आप टू फाइंड लिखोगे तो जरा अच्छा लगेगा, डायग्राम वगैरह बनाओ, है ना, चीजें ना मतलब परोसते आना चाहिए अपने को, हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बना, लेकिन हमको वो प्लेट में जमाती नहीं आ, तो गेस्ट बोलेंगे यार कैसे लोग हैं, लेकिन अगर जमा के दिया ना प्लेट में तो बोलेगा वाह यार क्या चीज है, ठीक है, तो बस वैसे अरेंज करके तरीके से लिखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है। देखो PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो Q जो है 90 डिग्री का है, फिर बोलता है PQ 12 है, PQ कितना है, PQ 12 है, और क्या बोलता है आगे, एंड QR 5 है, QR 5 है। अब इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी है, मतलब एक्स सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो जब भी ऐसा हो ना तो आप इसको ना यूनिट लगा लीजिए, इसको यहां पर आप यूनिट वर्ड लगा लीजिए, है ना, यूनिट्स यहां भी यूनिट्स लगा लीजिएगा। अभी क्या बोल रहा है, क्यूएस जो है इसका मीडियन है, क्यूएस क्या है बेटा, इसका मीडियन है, और ये बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूएस, तो अब आपका ये देखो ध्यान से देखा जाए तो गिवन तो आपका बेटा ये हो गया, आपका टू फाइंड भी आपका मिल गया आपको, टू फाइंड भी आपको मिल गया। अब हमको सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया पिछले क्वेश्चन में, कि यार ये जो मीडियन है ना ये हाइपोटेनियस का हाफ होता है, मीडियन जो है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, तो एक काम करते हैं इसको निकाल लेते हैं,
भाई थोड़ा सा पड़ोस में कंस्ट्रक्शन चल रहा, थोड़ा आवाज हो रही है, माफ करना बेटा, ठीक है, ये प्रॉब्लम चलते रहने वाली, लोग सुधरने वाले नहीं, और हमारे लिए कोई कोई क्यों काम बंद करेगा, तो थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगा। एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, ये शॉर्ट में बता देता हूँ हमको क्या करना है। हमको ये दो साइड देके रखी है, हम पाइथागोरस थ्योरम से पीआर निकाल लेते हैं, और पीआर जो भी आएगा उसका आधा कर देंगे, क्यूएस आ जाएगा, है ना। तो यहां लिखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां लिखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, सो देट, यहां लिखो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इनर राइटिकल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो इन दोनों के स्क्वेयर के सम के इक्वल आएगा। तो आप लिखो यहां पर पी एस स्क्वेयर क्या होगा, सॉरी पी आर स्क्वेयर क्या होगा, वो होगा पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर के इक्वल होगा, पी आर स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर क्यू आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो पी आर स्क्वेयर ऐसा कैसे रखो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बस दो मिनट इस क्वेश्चन के बाद में रुक जाता हूं, बाद में रिकॉर्ड करेंगे। पी क्यू स्क्वेयर क्या है, 12 स्क्वेयर है, और ये है 5 स्क्वेयर, तो पी आर स्क्वेयर 144 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। पी आर स्क्वेयर कितना आ रहा है, 169, तो पी आर कितना आ रहा है, अंडर रूट 169, तो पी आर हमारा आ गया 13 यूनिट्स, ठीक है। अब पी आर आ गया, मुझे मीडियन निकालना है, तो ये लिखो, नाउ क्यूएस इज मीडियन, तो क्यूएस क्या होगा, क्यूएस विल बी हाफ ऑफ पी आर होगा, ओके, यहां लिखना है आपको मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, तो क्यूएस क्या हो गया बेटा 1/2, और पी आर कितना हो गया, पी आर हमारा 13 है, तो क्यूएस आ गया 6.5। चलो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, देखो कितना सिंपल था, हमको ये दो साइड देके रखी थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लिया, और इसका आधा ही आ गया, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये, मतलब आपका बेसिक इससे खतरनाक था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बेसिक बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि आगे आपको 11th में सब, 10th में सब करना है। मैं रुकता हूँ भाई, अभी बाद में करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या देखे रखा है, यहां देखे रखा है, इन द गिवन फिगर जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मीडियन, जी जो है ये सारी मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और क्या देता है, जीटी हमें देके रखा है 2.5, जीटी क्या देके रखा है 2.5 देके रखा है, ये बोलता है पीजी फाइंड करो, वी हैव टू फाइंड पीजी, ओके, और पूरा पीटी, ओके, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द मीडियंस क्या होता है वो, ओके, क्या होता है बताओगे, दैट इज अ सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहां लिखिए, गिवन में तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, ये आपको गिवन में लिख लेना है, ये पूरा, और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप इसको 2.5 में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व में सबसे पहले आपको लिखना है कि जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये लिखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर जी इज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ मीडियंस। तो ये देखा जाए तो ये मीडियन है, तो ये इस पार्ट को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, ये देखा जाए तो ये मीडियन है, तो ये इन दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये मीडियन है तो ये दोनों पार्ट्स को डिवाइड करेगी। लेकिन अभी हमको डिवाइड से तो मतलब नहीं है, अभी हमको किससे मतलब है, हमको इससे मतलब है, तो ये जी जो है ये अगर सेंट्रॉइड है तो ये पार्ट और ये पार्ट का क्या रेशियो होगा, हमने बेसिक में सीखा है, ओके, तो जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडियन, सो दैट जी इज सेंट्रॉइड, और लिखिए यहां पर, एंड जी डिवाइड्स पीटी इन 2:1, 2:1 में डिवाइड करती है। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पीजी अपॉन जीटी इज इक्वल टू 2/1, ओके,
तो पीजी हमें निकालना है तो पीजी लिख दीजिए, जीटी हमें 2.5 दिया तो 2.5 लिख दीजिए, और ये 2, तो पीजी क्या हो गया भाई 2 × 2.5, तो पीजी हमारा हो गया 5। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने पीजी निकाल लिया। हमको क्या निकालना है, पीजी के साथ साथ हमको पीटी भी निकालना, तो वो भी हो गया। लिखो यहां पर पीटी क्या है, पीटी इज इक्वल टू पीजी प्लस जीटी ना बेटा, पीजी प्लस जीटी, ये पीजी और जीटी को प्लस करेंगे तो पीटी हो जाएगा। पीजी कितना है, पीजी हमारा 5 है तो लिख दीजिए 5, और जीटी 2.5 है तो क्या हो गया, हमारा पीटी हो गया 7.5। हो गया जी, इतना सिंपल ये है। मतलब अगर बेसिक पता है ना तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस का बेस एक्सरसाइज है, और जबकि हमने बेसिक बहुत बड़ा किया था, बेसिक में हमने थ्योरम क्या किए, प्रॉपर्टीज क्या की, बहुत सारी चीजें देखी, जबकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। पहले एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए बॉर्नो एकेडमी, धन्यवाद।